आचार्य जी, क्या रिएक्शन है आपका इस मामले में? अब होना क्या चाहिए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान से धमकियां आनी शुरू हो गई। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को हम सब सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से सीमा का जो हाल है उनको सबसे पहले तो पॉलिटिकल जो इस प्रकार से सहायता देने की प्रयास व्यवस्था बनाने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। अब ये भारत की भूमि पर है, इनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बंसल साहब ने कहा है बिल्कुल सत्य है कि भारत के अंदर पॉलिटिकल सहायता देने की व्यवस्था है और दी जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो तमाम हिंदू संगठन इनकी पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। दूसरी स्थिति क्या है ये समझे, ये भयावह स्थिति है कि इस्लाम को छोड़ने वालों को सजाए मौत, सर तन से जुदा की वास्तविक तौर पे उनकी हदीस ही है इस बात की। इस्लाम में बाहरी गमन का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को छोड़ के जाता है तो उसके लिए सजाए मौत, सर कलम करने की लगातार कितना धमकी आती है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई थी 2015 के अंदर कि यूके के अंदर जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं उनको किस किस प्रकार की यातनाएं वहां देने की व्यवस्था बनाई जाती है। नहीं, मुझे टाइम दीजिएगा साहब, समी साहब टाइम इस पर बोलना बहुत जरूरी है। आपको बस बता दूं कि इस वक्त जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, स्क्रीन पर आप सीमा हैदर के साथ हैं और सीमा की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, सीमा की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। मैं सीमा से यह जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, सीमा आप रो क्यों रही हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम कह रहे हैं अगर कोई दिक्कत आती है हिंदू संगठन साथ में खड़े होंगे, लगातार आंदोलन करेंगे इनको। जी सीमा जी। जी सर, मैं नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान पे बात है। जब एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती है तब मुसलमान लड़के को क्यों नहीं मारते? उसको भी मारना चाहिए ना कि उन्होंने हिंदू लड़की से शादी करी है, उनको भी मारा जाना चाहिए। जो वो लोग धमकियां दे रहे हैं तब क्यों नहीं धमकियां देते कि एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे तो मुसलमान लड़के को भी मारना चाहिए ना, उनको क्यों जिंदा रखा जाता है? मैं अपनी खुशी से आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी, मैं वहाँ सेफ नहीं थी, तो मैं आई हूँ। जो मेरे पति हैं आज इतना कुछ कर रहे हैं, धमकियां दिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते? और जो वो लोग जो मेरे ससुर हैं जो सरदारी लोग हैं वो ऐसा करवा रहे, कभी ज़िंदगी में उन्होंने मैं फ़ोन करके पूछा नहीं कि आप कैसी हो या तुम्हारे बच्चे छोटे कैसे हैं। मेरे पापा ख़त्म होने के बाद भी कभी नहीं पूछा, तो अब ये सब क्यों? जब मैं सारी ज़िंदगी अकेली रही 4 साल, तो अब ये बातें क्यों? अब देशों पर बात आ गई, धर्मों पर बात आ गई, तो मुझे तो बहुत डर लगेगा ना सर। मैं नहीं चाहूंगी कि कोई हिंदू मेरी वजह से मरे, ठीक है, या कोई मुसलमान मेरी वजह से मरे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी सर। जी बिल्कुल, सीमा जी आपकी आंखों में आंसू हैं, आप हौसला रखिए, आप अपने ऊपर काबू रखिए।